फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बटरफ्लाई क्यों दिखती है और क्या रीज़न होता है इसके दिखने का। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कई बार देख चुके हैं, बटरफ्लाई दिखती है मतलब हमारी विश मैनिफेस्ट होने वाली है। राइट, कुछ हद तक ये सही भी है कि आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली रहती है तब ये बटरफ्लाई दिखती है। बट अगर मैं कहूँ कि इसके सिवाय और कुछ भी होता है जब हमें बटरफ्लाई दिखती है, यूनिवर्स का एक अमेजिंग साइन होता है जब किसी को बटरफ्लाई दिखती है। तो आप जैसे ही बटरफ्लाई दिखती है, आप लोग सोचते होंगे हमारी विश मैनिफेस्ट हो रही है, हमारी विश मैनिफेस्ट हो रही है। बट क्या होता है कि बटरफ्लाई दिखने के बाद भी आप लोगों को आपकी विश नहीं मिल पाती है। पर इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में किसी ने सोचा है? आज मैं आपको बताती हूँ कि बटरफ्लाई दिखने के बाद भी, यूनिवर्स का इतना स्पेशल शाइन हमारे पास आने के बाद भी हमारी विश अटकी क्यों रहती है, क्यों हमारे पास नहीं आ पाती है। तो रीज़न ये होता है कि जैसे ही हमें बटरफ्लाई दिखती है तो हम सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि हमारी विश से रिलेटेड साइन मिल गया हमको, ये पूरी होने वाली है, ये वो, मतलब पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं हम। तो एक टाइप की ओवर थिंकिंग हो जाती है हमारे विश को लेकर और ये एक नेगेटिव साइन होता है। बटरफ्लाई तो इतनी अच्छी है, खूबसूरत है, उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं और ये यूनिवर्स का एक स्पेशल साइन है जो सभी को मिलता है विश पूरी होने के पहले। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, उसके कारण हम अपने विश को अपने पास आने में रुकावट डाल देते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि बटरफ्लाई दिखे और आपको आपकी विश मिल जाए। तो आपको करना होगा ये, जैसे ही आपको बटरफ्लाई दिखती है तो आप मन में हैप्पी हो, मतलब सभी को बटरफ्लाई दिखती है तो ऑब्वियसली सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हैप्पी होना है, बहुत सारा हैप्पी होना है कि वाओ कितनी प्यारी बटरफ्लाई है, कितनी क्यूट बटरफ्लाई है। इतनी सारी हैप्पीनेस के साथ आप भर जाएंगे ना कि मैं बता नहीं सकती, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है ना आपको। अब आगे देखिए आप कैसे मिलेगा। इस अमेजिंग रिजल्ट के लिए आपको करना क्या होगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो भी आपका है, बटरफ्लाई दिखी और आपको हैप्पी होना है और सोचना है कि वाओ कितनी क्यूट बटरफ्लाई है एंड ये भगवान जी का या यूनिवर्स का हमारे लिए साइन है, आज कुछ ज़रूर अच्छा होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है लाइफ में। बस और रुक जाइए और लेट गो कर दीजिए। जी हाँ, लेट गो। अगर आपने लेट गो नहीं किया, दिन भर यही सोचते रहे कि वाह बटरफ्लाई दिखी है हमें और हमारी लाइफ में अच्छा होगा, हमारी विश आने वाली है, तो वो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, बटरफ्लाई दिखी और आपने कहा कि वाह कुछ अच्छा होने वाला है और लेट गो कर दिया इस थॉट को, उसके बारे में फिर सोचा ही नहीं, तो देखिएगा मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करने लगे तो बटरफ्लाई चाहे आपको 2400 घंटे दिखती रहे ना, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने लेट गो कर दिया, अच्छी थॉट्स क्रिएट की और लेट गो कर दिया उसका, तो देखिएगा बहुत से बहुत 2 घंटे के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि बटरफ्लाई दिखते ही 2-3 मिनट में मुझे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ लोगों का लेट गो नहीं हो पाता है, तो उस केस में आप लोग जैसा लेट गो कर देते हैं तो बहुत से बहुत मैक्सिमम टाइम है आपका 5 आवर, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़रूरी है लेट गो करना आपका। ओके गाइस, तो जब भी बटरफ्लाई दिखे सोचिए कि आज सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है एंड लेट इट गो एंड एंजॉय योर डे। देखिए कितनी जल्दी आपको आपकी विश मिलती है। ओके गाइस, बाय बाय।